हाल ही में टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा ने सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन से तलाक लिया। हालांकि तलाक के बाद भी दोनों का जो रिश्ता है वो दोस्ती से कहीं ज्यादा बढ़कर है। तलाक के बाद दोनों के बीच की बॉन्डिंग और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। राजीव सेन ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में इस बात को क्लियर किया कि भले ही दोनों का तलाक हो गया हो, लेकिन सिर्फ एक कागज पर साइन कर लेने से दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। शादी के बाद भी दोनों का रिश्ता जिस तरीके से चल रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ सेल्फीज लेते नजर आ रहे हैं, इसके बाद तो दोनों को सोशल मीडिया पर गंदे तरीके से ट्रोल भी किया जा रहा है। वहीं अब अपनी शादी से लेकर झगड़े और तलाक को लेकर कपल काफी चर्चा में है। हाल ही में चारू ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपने एक्स पति को लेकर बातें करती नजर आ रही हैं। चारू ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग शेयर किया है। इस दौरान वो काफी इमोशनल नजर आई है। वो अपनी एक शूट के लिए बेटी जियाना को घर पर छोड़कर जा रही है। उन्होंने व्लॉग में बताया ये उनके लिए शूट का पहला दिन है और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि वो अपनी बेटी को अलग छोड़कर जा रही हैं। इस व्लॉग में काफी इमोशनल भी नजर आई चारू। इसके साथ ही चारू ने बताया कि काम की वजह से उन्हें अपनी बेटी को छोड़कर जाना पड़ रहा है, वो उसके बिना नहीं रह सकती। इस दौरान बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। चारू ने इस व्लॉग में अपने एक्स हस्बैंड राजीव के बारे में भी बात की। व्लॉग में बताया कि उन्होंने अपने एक्स पति राजीव सेन से रिक्वेस्ट की क्योंकि वो जियाना को घर पर छोड़कर जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया ये शो का पहला दिन है, उन्हें नहीं पता कि वहां किस तरह के अरेंजमेंट होंगे, लेकिन वो बेटी को अपने शूट पर साथ लेकर नहीं जा पा रही हैं। चारू का यूं अपनी बेटी के लिए परेशान होना देख फैंस भी काफी इमोशनल हो गए। चारू ने बताया कि वो शूट पर पहुंच जाती हैं और काम करती हैं। उसके बाद देर रात जब वो तेज बारिश शुरू हो जाती है तो चारू और भी ज्यादा परेशान होने लगती हैं। उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं जब मैं शूट पर जा रही हूं या काम कर रही हूं, लेकिन मैं जियाना को घर छोड़ कर आई हूं। मैं जानती हूं कि राजीव उसके पास है, उसका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन माँ के तौर पर मुझे काफी बुरा लग रहा है। मैं जियाना के साथ नहीं हूं क्योंकि बहुत ज्यादा चिंता होती है। सभी माँ को सलाम। वो कहती है वो अपनी बेटी जियाना को बहुत मिस कर रही हैं और उसके बाद वो रोने लगती हैं, उनकी आंखें भर जाती हैं। चारू असोपा अपने नए व्लॉग में काफी इमोशनल नजर आई हैं। हालांकि उनके व्लॉग पर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर आपकी बेटी छोटी है तो आखिर आपको काम करने की जरूरत क्या है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो चारू को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें चारू असोपा राजीव सेन से तलाक ले चुकी हैं और तलाक के बाद दोनों का रिश्ता दोस्ती जैसा है। दोनों ने एक साथ कई सारी वीडियोस और सेल्फीज को भी सोशल मीडिया पर डाला, जिसके बाद चारू और राजीव दोनों को लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल किया। फिलहाल तो अपनी बेटी को लेकर काफी परेशान नजर आई है चारू, और उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके हाथ में एक सीरियल है, उसकी शूटिंग के लिए उन्हें जाना पड़ा, जिसके बाद जियाना को लेकर वो काफी परेशान नजर आई है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।